We plan to organize a workshop with Devichand ji in the immediate future on a subject that I will tell later, which is his mastery. But remember, he is a professional astrologer. After he finishes his lecture, unko aap trouble mat kariye. If he wants, he will write down his phone number here. Are you understanding? But please don't call up for free readings, point one. Point two, don't call up to discuss astrology. He might be very busy, we do not know. If he's free, he will tell you. Okay? So, our guest speakers have to be respected. If I hear any of our speakers complaining ki ye falana aadmi aapke idhar se aaya tha, isne takleef diya ya tang kiya hai, main wo aadmi ko return idhar aane nahi dunga. Are you understanding? It is his prerogative ki wo unka number yahan pe likhna chahenge at the end of the lecture. You all can note it down, but don't trouble them. Namaste. मेरे को जितना अनुभव है या जानकारी है उसके हिसाब से मैं जो आज यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, वो लेक्चर बोले तो कैरियर के बारे में है. कैरियर का अर्थ होता है आय का साधन. आय का साधन कुंडली में हर एक आदमी तो कमाता ही है, इसको किसको कैसे पकड़ पाएंगे? कौन नहीं कमाता है? पत्नी नहीं, पत्नी मेहनत करती है अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, वो भी एक काम है उसका. लोगों में गलत फहमी है कि आय सिर्फ वर्क करके ही कमाते हैं, दिमाग से कमाते हैं. कुछ लोग बैठे बैठे भी कमा लेते हैं. तो मेरा जो जानकारी कुंडली दिखा के कम है ज़्यादा, क्योंकि 12 राशियों के 12 आय धर्म है ही, आपको उससे साधन को नहीं बताएंगे आप. एक ही टेक्निक यूज़ करेंगे तो कैसे पकड़ पाएंगे उसको आप? तो इसके लिए मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि अच्छी आय साधन कैसे होती है और लो आय साधन कैसे होती है. देखो, सब लोग कुंडली देख रहे हैं. आय साधन के लिए जो भी शास्त्र में लिखा है, धनस्थान और लाभस्थान, इसको पहला देखा गया. धन मार्केश भी कहा गया है धनस्थान को, और लाभ स्थान को त्रिक स्थान यानी रोग स्थान भी कहा गया है. सही, उसको रोग स्थान भी बोला गया है और मार्केश भी बोला है, और वही धन और लाभ का भी प्रैक्टिकल में देखा जाता है. आदमी का जो लग्न होता है वो सबसे बड़ा आय का साधन है. लग्न के बिना बाकी सब जीरो है. मैंने जहाँ तक भी जितनी कुंडलियाँ डेली देखता हूँ उसमें से एक ही मेरे को डिस्कस में आ गया कि बिना लग्न बलवान का कोई आदमी बलवान नहीं है. बलवान ये शब्द का अर्थ होता है कि बुरे ग्रहों ग्रह, अभी बुरे ग्रह मंगल राहु रवि ये बुरे ग्रह नहीं है. हर एक कुंडली के हिसाब से सब कुंडलियों में अलग अलग ग्रह बुरे और अच्छे बनते हैं. उसको पहले भी एक बार एक टेक्निक में बताया था, फिर भी अभी और एक बार समझा देता हूँ. बुध शनि शुक्र एक ग्रुप बना दो और रवि चंद्र मंगल गुरु का एक ग्रुप बना दो. बुध शनि शुक्र, क्योंकि देखो आप वृषभ मिथुन कन्या तुला मकर और कुंभ, इनके लिए ये तीनों ग्रह ही शुभ हो जाते ज़्यादा करके, और मेष कर सिंह रुचि धनु और मी, इनके लिए गुरु मंगल चंद्र रवि यही शुभ ग्रह होते हैं. ये सीधे सीधा होता है. कहीं कहीं पे चंद्र अशुभ हो जाता है और कहीं कहीं पे रवि भी अशुभ हो जाता है. वो एक बोलते ना वन वे रास्ता है, और वो अच्छे में बुरे भी बनते हैं और बुरे में अच्छे भी बनते. इसको थोड़ा बाद में आराम से देख लेंगे तो पता चलेगा, या जिसको नॉलेज है इसके बारे में. इनमें से लग्न के अंदर जो भी शुभ ग्रह देखेंगे, लग्नेश को शुभ ग्रह देखेंगे, वो ग्रह या लग्न को शुभ ग्रह देखेंगे, वो आदमी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है. सीधा पॉइंट, आप मिनिमम आज के ज़माने में बॉम्बे जैसे शहर में सिर्फ कम से कम 6,000 रुपये इनकम होती है, उसका लग्न निर्बल हो गया. और जिसका लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 50 लाख, 2 करोड़ कमाता है महीने को, उतना लग्न
लग्न बलवान का मतलब हो गया उसका माइंड, दिमाग, हम देखते हैं मस्तिष्क देखा जाता है लग्न से। लग्न को अगर देखेंगे तो मस्तिष्क जिसका सही रहेगा, लग्न जिससे देखेंगे उसका आरोग्य सही रहेगा, वो डिसीजन मेकर होता है, डिसीजन फॉलोअर रहता है। जो फॉलोअर नहीं रहता है वो पीछे गिर जाता है। किसको कैसे काम पे लगा है ये लग्न का दिमाग से काम होता है। तो कोई भी आप कुंडली छोटे से लेके बड़े की किसी भी की कुंडली मेरे सामने, मैं इसलिए किसी का कुंडली का उदाहरण कम लेके आया हूँ, अब कोई भी कुंडली लाएंगे तो मेरे को बताना चाहिए कि मैं पॉइंट सही है क्या। तो लग्नेश को बलवान होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है आय साधन के लिए। लग्न पे शुभ ग्रहों की दृष्टि और लग्न शुभ जगह पे बैठना और लग्न के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना होना, उसकी अच्छी आय यानी 30,000 अबव उसकी इनकम रहेगी। आप डायरेक्ट किसी के भी ऊपर आप ये लागू कर सकते हैं। जिसका लग्न निर्बल हो गया, लग्न पे पाप प्रवृत्ति आ गई, 15,000-7,000 ऐसा डाउन होता है। जिसके ऊपर शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टि होती है वो लोग कैसे होते हैं, कर्जे में होते हैं, बहुत बड़ा नाम है लेकिन पैसा जेब में नहीं है, कमा रहे बहुत कुछ पैसा, कमा के दूसरों को दे रहे। जिसका वह स्थान ज्यादा बलवान होता है उसका कर्जा ज्यादा होता है। तो मैं अपने हिसाब से कुछ चैप्टर बताऊंगा। हरेक कुंडली में लग्न महत्व का है। लग्न पाप ग्रह से दुष्ट नहीं रहना चाहिए और पाप ग्रह के साथ में नहीं रहना चाहिए और अशुभ ग्रहों की दृष्टि में नहीं रहना चाहिए, अशुभ ग्रहों के साथ में नहीं रहना चाहिए। ये लग्न में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कैरियर में क्या होता है कि सब लोग कैरियर चार प्रकार से कमाया हुआ रास्ता है। एक बिजनेस, दूसरा जॉब, तीसरा कमीशन, जहां पे पैसा नहीं लगाना है उसको, सिर्फ माल का या आदमी का दिखावा दिखाना है और अपना पैसा बनाना है। इस कमीशन ब्रोकर आ गया, प्रॉपर्टी डीलर्स आ गए, कमीशन में बहुत सारे, व्यापार में तो बहुत सारे बिजनेस आ गए। पहले आपको कुंडली देखते डिवाइड करना है कि आदमी किस लायक है, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा या कमीशन पे काम करने वाला है या फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है इवेंट डांसर्स, वकील, डॉक्टर, ज्योतिष, जहाँ पे पैसा नहीं लगाना है, कोई दिमाग से कमा रहा है, कोई खेल कूद के कमा रहा है, कोई अपने वाणी से कमा रहा है। इस फ्रीलांसर्स वो इंडिविजुअल इतना पावरफुल होता है कि उसके पास हजारों लोग आकर्षित हो जाते हैं, लाखों लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। सबसे बड़ा व्यापारी तो माल हजारों लाखों बेच के कमाता है और उससे भी बड़ा होता है फ्रीलांसर जो अपने आप को दिखा के पैसा कमा लेता है। तो इन चार को मैंने डिवाइड किया है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। तो व्यापार जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं, जिसके पास अपना सामान है वो उसको बेचना है वो व्यापार होता है। अब इस व्यापार को हम कहाँ से देखेंगे, दशम स्थान से देखते हैं। सभी लोग दशम स्थान से देखते हैं, कोई भी कैरियर का ले लो दशम स्थान इज इम्पोर्टेंट। एक नंबर के साथ आ गया दसवां स्थान, इस प्रतिष्ठा का कारक है। वो प्रतिष्ठा क्यों कहा गया उसको, कि लग्न का जब चतुर्थान हमारी प्रॉपर्टी कहलाई जाती है, हम कोई चीज लेते हैं वो प्रॉपर्टी होती है, वो चतुर्थान होती है और उसका मारक होता है दशम स्थान, उसको खत्म करने वाला दशम स्थान होता है। जब सप्तम स्थान हमारे सामने वाला व्यक्ति उस चीज को खरीदी करता है तो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है और उसको उसकी खुशी मिलता ही तो खुशी मिलती है, जिसे हम चतुर्थान को सुख स्थान बोलते हैं। वैसे सप्तम स्थान का चतुर्थान सामने वाले की सुख का साधन होता है, वो इसके लिए वो दशम स्थान से खुश होता है तो अपने को प्रतिष्ठा देना चालू करता है सामने वाला। सामने वाला प्रतिष्ठा अपनी को कैसे दे रहा है, अपना कोई सामान लेके खुश होके दे रहा है। कोई सामान ले रहा है तो कोई बुद्धिमत्ता ले रहा है, कोई मनोरंजन ले रहा है। तीन व्यक्ति से आदमी पैसा खर्च करता है, एक कोई व्यक्ति सामान लेता है, खर्चा करता है, वो होता है चतुर्थान का दशम स्थान। दूसरा होता है बुद्धि और मनोरंजन का काम पंचम स्थान, ये इसमें पंचम स्थान से रिलेटेड आ गया फिल्म लाइन, एक्टर्स, बुद्धिमान लोग इसमें से कमा लेते हैं, रिलेटेड अष्टम होना चाहिए। अष्टम को सब लोग घात स्थान बोला गया है लेकिन मैं बोलता हूँ फ्रीलांसिंग में घात स्थान ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कि इंडिविजुअल आदमी का दशम स्थान का वो लाभ स्थान होता है, ध्यान स्थान। इंडू जो अष्टम को सब लोग ब्रेक मानते हैं, अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है अष्टम स्थान बहुत बलवान होता है तो बोलता हूँ बिना पैसे का कमाओ, मां पैसा मत लगाओ, कुछ भी करो बिना पैसे का कमाओ। अष्टम स्थान में अगर पैसा लगाएगा लॉस हो जाएगा, जैसे अमिताभ बच्चन अपने आप का आज भी वो डांस करके कमा सकता है लेकिन वो खुद की कंपनी खोल के लॉस हो गया, क्योंकि उसके अष्टम स्थान में कितने ग्रह बैठे हैं। पैसा लगाएगा लॉस, अष्टम स्थान में पैसा लगाना ही नहीं है। जिसका अष्टमेश की दशा जा रही है, अष्टम स्थान के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठे हैं उसकी दशा जा रही है, ये अष्टम स्थान से लेकर बहुत सारे ग्रह उसके अंदर बैठे हैं, उनको सबको बिना पैसे का काम करना है। वर्किंग पार्टनर्स उसके साथ में, जो भी फ्रीलांसिंग का काम है जहाँ पे पैसा लगाना नहीं, तो सब जानते हैं कि पैसा कहाँ नहीं लगा सकते कि बुद्धिमान लोग क्या थे, बातों से कमाते हैं, बात करके कमाने वाला पंचम स्थान से और धन स्थान से रिलेटेड होता है। और खेल कूद से कमाने वाले लोग रहते हैं वो तृतीय स्थान से होते हैं। अपना जो लाभ होता है ना, अपने शत्रु का यानी अपने सामने वाला शत्रु भी कहा जाता है, ओगर शत्रु होते हैं, या उसको खुशी देना या लेना। और अपने नैसर्गिक कुंडली में शत्रु स्थान होता है षष्ठ स्थान, षष्ठेश का षष्ठेश अपना मित्र होता है, इसलिए हमारे कुंडली के अंदर लग्न को मित्र ग्रह, मित्र राशि, मित्र लाभ ग्रह बोला गया, षष्ठेश का षष्ठ होता है। तो हमारा जब सामने वाले का लॉस हमारा नेट प्रॉफिट होता है, सामने वाले का वर्किंग लॉस हमारा वो नौकर वर्ग होता है षष्ठेश। मैं एक पार्ट दे रहा हूँ छोटा छोटा, किसको किन लिंक कैसा लगाना है क्या नहीं, आप देखो आप सब लोग जानकार है। तो मैं इतना तो फर्स्ट सेकेंड टाइम है मेरा यहाँ पे, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, एक छोड़ के पकड़ा तो उसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए, फिर भी मैं आपको कुछ जिज्ञासा रहेगी तो मैं बता दूंगा। षष्ठ स्थान का षष्ठेश लाभ स्थान होता है, वो परम मित्र होता है, और इसीलिए तो कोई भी ग्रह लाभ से कनेक्ट करता है। अभी आप दशा अंतरदशाओं में देखते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि दशा तो बहुत बुरी है लेकिन आदमी कमा रहा है, दशा बहुत अच्छी है लेकिन आदमी लॉस हो रहा है, 6-9 साल अच्छे जाते हैं 9 साल खराब जाते हैं, 2 साल अच्छे जाते हैं 3 साल खराब जाते हैं। एक्चुअली पाप ग्रह शुक्र सब देगा सब बराबर है, फिर क्यों लॉस दे रहा है? कुंडली के अंदर कुंडली के ग्रह के साथ में उसका कैसा कनेक्शन है, जैसे गुरु बैठा है लग्न में और षष्ठ स्थान में चंद्र बैठा है, तो गुरु की दशा में चंद्र लॉस करेगा, वही गुरु की दशा में चंद्र लाभ स्थान में बैठा है तो गुरु की दशा में चंद्र लाभ करेगा। यानी लाभ स्थान का जो है 1, 3 और 11, 3-11 का जो संबंध है उससे हमेशा अपना दशा अंतरदशा में खास करके देखना चाहिए कि दशा में ये अंतरदशा लाभ जा रही है प्रॉफिट जा रही है, तभी आप पकड़ सकते हैं कि किसी का ये लाइफ में जा रहा है तो ये लाभ में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। इसलिए पंचधा मैत्री रिकॉर्ड है, पंचधा मैत्री में आपको लाभ में जाएगी दशा की अंतरदशा या लॉस में जाएगी, पंचधा मैत्री डायरेक्ट आपको चार्ट में आ जाती है। हमारा विशेष काम क्या है कि कैरियर यानी आय का साधन, हमने आय का साधन में क्या देखा कि मेन कुंडली में लग्न इम्पोर्टेंट है और दशम स्थान, दशम स्थान क्यों इम्पोर्टेंट है कि सामने वाले का सुख अपना ही बलवान करता है। लग्न दशम अभी दोनों के बीच में धन और लाभ को क्यों आय माना है, हमारा जो भी प्लस होता है ना, 1 का 1 प्लस होता है ना, उसको पहला धन स्थान दिया गया है और 10 का प्लस होता है वो 11 होता है, तो इसलिए धन स्थान का जो दशम स्थान है वो भी लाभ स्थान होता है और लाभ स्थान का शुक्र स्थान होता है धन स्थान। धन स्थान यानी लिक्विडिटी, कैश, गोल्ड, जहाँ पे हम कुछ भी ले सकने की ताकत रख सकते। तो कैरियर के अंदर धन से धन कमाने वाले लोग जो होते हैं वो कमीशन बेस होते हैं, ब्रोकरेज होते हैं या कुछ काम करते हैं, उसके हम लाभ स्थान को रिलेटेड रखते हैं तो वो कमीशन बेस में कमाएगा पैसा कैरियर। पंचम स्थान से कमाएगा अपनी बुद्धिमत्ता से, कलाकारी से। चतुर्थ स्थान से कमाएगा अपने माल बेच के। तृतीय स्थान से कमाएगा खेल से, कम्युनिकेशन लाइन से। धन स्थान से कमाएगा धन से, और आप लिख ले रहे हैं या समझ में आ रहा है किसको, नहीं तो बता दिए ना, या स्लो बताओ, स्लो बताओ।
इसका वीडियो भी अपलोड होगा ऑलवेज टेक इट फ्रॉम द वीडियो यानी एक एक स्थान से हमने देखा कि धन स्थान से वाणी से भी कमाया जाता है तृतीय स्थान से खिलाड़ी खिलाड़ी तृतीय स्थान से क्यों रिलेटेड करता है क्योंकि पराक्रम स्थान बोला गया है अपने हाथों का काम उसमें रहता है और उसके सामने भाग्य स्थान होता है वो पैरों का ये भाग होता है उसमें दौड़ना और पकड़ना ये जो खेल का काम होता है इसलिए तृतीय स्थान इम्पोर्टेंट होता है खिलाड़ी लोगों के लिए और तृतीय स्थान बुद्धू का स्थान है और राइटिंग का उसी का स्थान होता है और सप्तम स्थान जो होता है हमारा सामने वाला व्यक्ति अभी इस एक व्यक्ति को हम जानेंगे या हजारों व्यक्तियों को कैसे जानेंगे आप तो हजारों व्यक्तियों के पास कैसे जाएंगे तो सप्तम स्थान का जो भाग्य होता है ना वो तृतीय स्थान होता है उस भाग्य से जो होता है ना सप्तमेश के भाग्य से अपना पहचान सभी तरफ सटासट रहता है अगर कोई बड़ा व्यापारी है तो लग्न बलवान चाहिए दशम स्थान बलवान चाहिए उसके बाद मैं बोलूंगा तीसरा स्थान बलवान चाहिए यानी मैंने तीन ही पॉइंट मेन दिया है लग्न दशम और तीसरा बहुत ज्यादा कमाने का नॉर्मल कमाने के लिए तीसरा नहीं आएगा नॉर्मल कमाएगा छठा स्थान रहेगा नौकरी करेगा सुबह जाएगा ड्यूटी करेगा आके सो जाएगा छठा स्थान एकाग्रता का स्थान तीसरे स्थान से सुख स्थान यानी अपने को आराम कहाँ मिलता है तीसरा स्थान होता है कम्युनिकेशन का बताया हमने पराक्रम स्थान का बताया उसको एकदम शांत करने वाला स्थान होता है षष्ठ स्थान इसलिए तृतीय स्थान का चतुर्थान सुख होता है तो आदमी एकाग्र हो जाता है जो आदमी एक जॉब से दूसरा जॉब दूसरे जॉब से तीसरा जॉब ऐसा घूमते रहता है ना या जॉब में उसका मन नहीं लगता है उसको षष्ठ स्थान बलवान कर दो वो एक जगह काम करना चालू करेगा क्योंकि श्रेष्ठ स्थान क्या है दशम स्थान का भाग्य स्थान कुंडली में हमारे जो ऋषियों ने जो अध्ययन किया ना हर एक स्थान से जो मेटेड फर्स्ट स्थान को देखने का उसी स्थान सभी स्थान को देखेंगे तो आपके पूरे क्लियर चार्ट आपके सामने आ जाएगा कि कितना सही उन्होंने काम किया और जो देखरेख का काम करते हैं जैसे सुपरवाइजर है मैनेजर है देख रहा है वो कुछ काम नहीं सब पे नजर रखता है नजर का हमारा काम है धनस्थान जो व्यक्ति धनस्थान से रिलेटेड एवरी वन जो भी मैं अलग अलग स्थान दे रहा हूँ उसका टचिंग 10th हाउस से होना चाहिए एक पॉइंट लिखता हूँ लग्न तो बलवान हो गया एक तरफ हो गया लेकिन किसी का भी स्थान से अगर दशम स्थान से रिलेटेड आता है तो उस व्यक्ति रिलेटेड काम करेगा या उसकी दशा जिसकी जा रही है वो उसी स्थान से रिलेटेड करके दशम से रिलेट कर रहा है वो हिसाब से उसका कार्य होता है और एक बात कर लीजिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है दशम स्थान लग्न जो हेल्थ और दिमाग हो गया टॉप पे जाएंगे लेकिन दशम स्थान हम कैरियर का पहला साधन मेरे पास कई लोग जॉब छूट जाने के बाद आ जाते हैं तो मेरा जॉब कब लगेगा मेरा व्यापार कब चालू होगा मेरा व्यापार कब बढ़ेगा मेरे को काम कब मिलेगा फ्रीलांसिंग में कमीशन में मेरा बड़ा इनकम सोर्स कब होगा तो फर्स्ट पॉइंट देखता हूँ मैं दशम स्थान दशम स्थान आ गया आपका जॉब लग गया उसी डेट देता हूँ अंतरदशा प्रथम दशा देते वो डेट को जॉब लग जाता है एक दिन के आगे पीछे नहीं होना चाहिए सब सेकेंड उसका लाभ स्थान देखता हूँ क्योंकि उसको उसका प्रॉफिट होता है क्या नहीं कमीशन वालों को दशम स्थान नहीं चलता है काम हो गया लेकिन पैसा नहीं आया क्या फायदा उसके लाभ स्थान साथ में देखना पड़ता है कमीशन में हो या फ्रीलांसिंग में पैसा नहीं है काम करके आ गया पैसा ही घर पर नहीं है व्यापार में क्या होता है पैसे माल बेचा और पैसा आ गया उसका तो काम हो गया व्यापार कम बोल सकते जॉब उसको लग गया वो एक महीना काम किया उसका पैसा आ गया लेकिन फ्रीलांसिंग और कमीशन में क्या होता है कि उसका लाभ स्थान देखना जरूरी होता है दशम स्थान के साथ लाभ स्थान हर एक व्यक्ति को ये बारे में तो नॉलेज मोर देन है ही नया नहीं है लेकिन इसको सिस्टम कैसा देखे ये बता रहा हूँ क्या ये बलवान मैं बार बार शब्द बलवान बोल रहा हूँ बलवान का अर्थ होता है कि कोई भी हम स्थान ले रहे हैं धन स्थान या तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान या पंचम उसमें जो क्लियर कट बाहर निकल रहा है ग्रह जो जिसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है वो ग्रह या वो स्थान उसका बलवान हो जाता है और उसी रिलेटेड उसको ज़्यादा आय का साधन बनता है आय के साधन में क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि इसकी राहु की दशा जा रही है राहु बहुत दशम स्थान में बैठा है मिलेगा पैसा राहु दशम स्थान में बैठा है
उसका नक्षत्र भी देखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन रिलेटेड ड्राव किसके साथ में करा, कौन से नक्षत्र से, कौन सा लग्न या दशम भाव या धन स्थान से कनेक्टिव कर रहा है, तृतीय स्थान जैसे गुरु की दशा अष्टम से रिलेटेड हो रही है। गुरु की दशा में ही ये टॉप पे चले गए। दशा दिखाई गुरु की दशा जो है ना 2001 से आ गई है, तो एक्टिवेशन कभी भी कोई भी दशा चलती है तो उसकी पहली अंतरदशा ब्लॉक, वो धीमी गति से जाता है, प्लान बनाता है, कोई सफलता नहीं देती है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि आपकी कोई सिराजों की दशा चल रही थी, बोलते कि वहाँ से आपको बहुत अच्छा होगा, मैं बोलूँगा नहीं, उसके 3 साल 2 साल के बाद ही वो एक्टिवेट होगा, तब तक एक्टिवेट नहीं होता हो। खाली वहाँ पर उसको प्लान्स, वो जब दशा चलती है तो उसके दिमाग में प्लान्स चालू हो जाते हैं वहाँ से उसके, और वो 3 साल के अंदर वो प्लानिंग सफलता की तरफ लेके जाता है। या जैसे रवि की अंतरदशा हो, राहु की अंतरदशा हो, गुरु की अंतरदशा हो, उनकी अंतर में लग्न महादशा में अंतरदशा होती है, वो ब्लॉक होती है, वो प्लान बनाता है, सफलता नहीं मिलता वहाँ पे, उस प्लान के आधार पर वहाँ पे लॉस भी होता है ना, तो आगे के प्रॉफिट के लिए होता है, अच्छी दशा रहेगी तो, और वहीं पर लॉस वाला भी प्लान वहीं पर बनता है, किसी की लॉस की दशा होती है। इसमें गुरु की अंतरदशा में फल नहीं दिया, लेकिन गुरु की शनि के अंतरदशा में उन्होंने अपना जो आज फेमस है ना, वो 2004 में ही ओपन हुआ है। 2003 अगस्त के बाद वो, मैंने बोला ना कोई भी अंतर, जैसे हम मेन दशा महादशा का भी हमने अंतरदशा देखा ब्लॉक रहता है, तो इसी अंतरदशा का भी अंतरदशा शनि ही है, तो उसका भी शनि के अंतरदशा ब्लॉक होता है, तो उसने उसके बाद ही उसके अंदर वो प्रोग्रेस हो गया। तो कोई भी दशा गुरु अष्टम से रिलेटेड है, लग्न में बैठा है, गुरु चंद्र का राज हो गया, लेकिन चंद्र की दशा इनको सफल नहीं दे सकती, क्योंकि वो वयेश है, थोड़ा प्रॉब्लम देता ही है। गुरु में अष्टम का दशा रहने से इनका ध्यान पहचान बहुत बन गया। हाँ, पंचमेश की दशा है, अष्टम की दशा है। अष्टम मैंने बोला कि पूरा नहीं होता सब, अभी उनको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन पैसा करना है डेड के जैसा, अगर आठवें घर का जाता है तो डेड पैसा डालना है, पैसा लेना नहीं है, डालना है ताकि, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो डालने के लिए मैंने प्रॉपर्टी में बोला कि आगे शनि की दशा आने वाली है, और शनि की दशा करती है षष्ठेश और सप्तमेश और चतुर्थेश लड़के, तो प्रॉपर्टी का जो फायदा होता है या पराक्रम होता है या स्थलांतर होता है, प्रॉपर्टी बेचना का स्थलांतर होना का षष्ठ स्थान से, किसी का जॉब चेंज करना है होना है रिलेटेड होता है, चतुर्थांग जो होता है उसका स्थलांतर षष्ठेश होता है, तो भाग्य स्थान से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए मैंने इनको सलाह दी थी कि प्रॉपर्टी बिल्डिंग में जाओ, बिल्डिंग में गए हैं, बिल्डिंग से काम चल रहा है उनका, बन भी गए बिल्डिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ मैं, ऐसे मेरे पास एक ही नहीं बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, ये एक ही पर नहीं करता मैं स्टडी, कम से कम मेरे को जब 50 से 100 कुंडलियों के अंदर वो पॉइंट्स नहीं मिलते तब तक मैं ओपन नहीं करता उसको। सिर्फ हम एक दशम स्थान से रिलेटेड लेके ही सब लोग बोलते हैं कि यही कैरियर होगा, मैं बताऊँ उसके रिलेटेड जो स्थान होता है उससे रिलेटेड भी उसका काम होता है, अगर इसमें नहीं कमा रहा तो उसको भी अंदर बोलो उसमें कमा लेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होती है तुला, जो वृषभ और तुला मूल त्रिकोण राशि है, और जो भी मूल त्रिकोण राशियाँ होती हैं वो ज़्यादा फल देती है कोई भी राशि होती है। ये इसके बारे में कुछ सवाल है आप? Anybody has any doubts regarding this horoscope? कुछ सवाल है तो पूछिए। जैसे शुक्र का मैंने कपड़े का बताया, इसे कुछ और नोट्स मैं दे सकता हूँ आपको। आईटी इंजीनियर के लिए बुध और शनि की युति होनी चाहिए, कहीं भी रहेगा रिलेटेड उसकी दशा अंतरदशा या दशम स्थान से कनेक्ट होना चाहिए, तृतीय स्थान साथ, यानी 1-3-10 बुध शनि, ये आईटी इंजीनियर्स के लोग रहते हैं। इसी इंजीनियर में अगर डिजाइनिंग का कनेक्शन रहेगा तो कन्या राशि कनेक्ट रहती है,
आर्किटेक्ट इंजीनियर है, जो भी इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, आर्किटेक्ट इंजीनियर हो गया, या बिल्डिंग लाइन से रिलेटेड हो गया, वो 1-10 डिजाइन बनाना है, स्थान रहेंगे और मंगल शनि की शुभ योग होने चाहिए। शुभ योग होता है 9 पंचम और लाभ, षडष्टक योग में नहीं बनते लोग इंजीनियर। बहुत लोग मंगल शनि बहुत लोग बैड समझते, लेकिन इंजीनियर तो मंगल शनि के बिना होता ही नहीं, इसलिए शुभ योग बहुत इम्पोर्टेंट है। होटल और डायमंड रिलेटेड जो काम होता है ना, वो गुरु शुक्र की शुभ योग होनी चाहिए। होटल और डायमंड लाइन जो खाने पीने, खाना पीने के लिए शुक्र देखा जाता है, गुरु भी देखा जाता है। शुक्र जो है ना, बहुत लोगों को जानकारी है कि नहीं, लीफ जो होता है, लीफ वो शुक्र के अंडर में आता है, पत्ता। गुरु जो होता है ना, वो बढ़ने वाला होता है, लेकिन जो दिखने वाला है वो शुक्र के अंदर में आता है। होटल के लिए चाहिए 1-10-2 और डायमंड लाइन के लिए चाहिए 1-10-2-11, क्योंकि इसमें डिफरेंट हो जाता है। डायमंड इज नेट बैलेंस, सालों साल रहता है, और खाना 1 सेकेंड में ख़त्म हो जाता है। दोनों भी खराब है, ज़्यादा देर डायमंड को रखेंगे इतना नहीं है, और ज़्यादा देर खाना रखेंगे खराब हो जाता है। हॉल जो फंक्शन हॉल्स होते हैं, या कोई भी हॉल्स होते हैं, या कोई काम होता है बड़ा काम जहाँ पे, उसके लिए रिलेटेड होता है रवि शुक्र, और रिलेटेड 4/10 जैसे फिल्म टॉकीज हो गया, ये सब उसी के रिलेटेड आ जाते हैं। छोटे व्यापारी जो छोटा छोटा व्यापार करते हैं, वो सूर्य बुध की 12 डिग्री से कम रहेगा, वो सब छोटे व्यापारी होते हैं। व्यापार जो करते हैं वो नौकरी नहीं कर सकते, और नौकरी करने वाला व्यापार भी कर सकता है। रवि बुध की युति 12 डिग्री के अंदर होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा गरीब रहेगा और रवि बुध के पीछे जितना रहेगा उतना अच्छा व्यापारी होता है। प्रश्न पूछना है जो इससे रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि 8वें घर को हम फ्रीलांसिंग के लिए भी देखते हैं, और यदि अगर दशम का स्वामी 8वें घर में बैठ गया हो तो वैसे भी वो एक कंटिन्यूस तो काम करेगा नहीं करियर वाइज, तो क्या आप उसे स्ट्रांगली फ्रीलांस के लिए रिकमेंड करेंगे? और एक और चीज़, अगर सूर्य के साथ में राहु भी बैठ जाए तो भी आप फिर उसे बोलेंगे फ्रीलांस बन जाता है। दशमेश और अष्टमेश का पूरा योग बनता है, वो मैन्युफैक्चरर बनता है, क्योंकि उसको बना के देना है जॉब वर्क का जो काम होता है, फ्रीलांसिंग टाइप ही होगी। उसको खुद का माल नहीं बनाना है, दूसरे का माल बना बना के देना है, या एक बार नाम बन गया उसको बना के देते जाना है, वो होता है मैन्युफैक्चर। तो 8 नंबर जो जगह है ना, इस डीप है, किसी को पता नहीं है जहाँ पे चल रहा है काम, किसी को पता नहीं है जिसके अंदर क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं है। गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त विद्या, ये सब उसी में आती है। तो इसके लिए उसका रिलेटेड होता है अष्टम स्थान और दशम स्थान से ज़्यादा रिलेटेड करता है, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग में वर्किंग में जाना है, नॉट फूड मैन्युफैक्चर बनना है। क्योंकि कहा जाता है ना कि दशम का स्वामी अगर अष्टम में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति कंटिन्यूस कोई भी करियर को फॉलो नहीं कर पाता उसको, नहीं ये डिपेंड करता है उसके लग्न के ऊपर। मैंने फर्स्ट इसलिए लग्न का पॉइंट दिया है, अगर लग्न निर्बल आ रहा तो आदमी एक जगह टिकेगा ही नहीं कोई भी कैरियर में। आय के साधन के लिए पहला लग्न इम्पोर्टेंट, डिसीजन मेकर इज लग्न। दशम स्थान उसका साधन है ना कि वो साध्य है, साधन है उसका, साध्य करने वाला जो है दिमाग होता है, इसलिए इसको गलतफहमी हो जाती है। तो अष्टम अगर किसी रिलेटेड वयस्थान से अष्टम रिलेटेड करता है और उसमें जल तत्व की राशि है, तो मरीन में काम करने वाले लोग रहते हैं, जो मरीन लाइन्स में, मरीन के अंदर, जमीन के अंदर, पानी के अंदर, अष्टम से रिलेटेड प्लम्बिंग काम करने वाले होते हैं, अष्टम से रिलेटेड लोग गुप्त क्षेत्रों को खोदने वाले भी रहते हैं, गुप्त कारना में करने वाले लोग भी उसी में रहते हैं। जब अशुभ ग्रह ज़्यादा देख रहे हैं, एक फाइटर होता है, फाइटर
अगर फाइटर को अगर संस्कार बहुत अच्छे दिए जाते हैं तो वो क्या बनता है, एक पुलिस ऑफिसर आर्मी वगैरह बन जाता है। अगर उस फाइटर को ढीला छोड़ देते हैं ना तो गुंडागर्दी बन जाता है। उसी फाइटर के अंदर अगर शार्पनेस आ गया तो क्राइम बेंच में चला जाता है, और उसी आदमी को अगर नहीं सिखा के शार्पनेस में डाल देता है तो ये आजकल जो नेट के अंदर इंटरनेट के अंदर लाखों रुपए लोग चुरा लेते हैं या करते ना कि क्राइम में चले जाते हैं। साइबर्स हैकिंग हैकर्स में हो जाते हैं, वही शार्प पॉइंट होता है संस्कार। शुभ ग्रह अगर अच्छे देखते हैं तो आदमी अच्छा बन जाता है, और अशुभ ग्रह देखते हैं तो उसको बुरा कर देते हैं। प्लानर वही रहता है दोनों का, चोर और कितने मैंने 2-3 बार देखा है, जेलर और जेल में रहने वाली कुंडली सेम रहती है। जेलर और जेल, जेलर खाली नाम के लिए कभी जा सकता है, वो तो जिंदगी भर जेल में रहता है। और जेल में जो रहने वाला है 7 साल 3 साल के बाद निकल जाता है ना, तो जेलर सबसे ज्यादा वहां पे दुख भोगता है लेकिन अपनी मर्जी से। तो ये लग्न का माइंड जो होता है ना, माइंड सेटअप होता है, अगर आपको शेप जो बनता है इतनी वहाँ पे गर्मी होती है उसको सहन करने की उसकी ताकत होती है, और वही आप मरीन में काम करने वाले को आगे शेप में काम करोगे तो बात नहीं जाएगा। तो उसका माइंड सेटअप, आदमी का एक स्वभाव होता है, स्वभाव दुर्गंध और सुगंध, ये 3 चीज़ नहीं बदली जाता। इसलिए कुंडली जब देखते हैं तो मैं फर्स्ट पॉइंट पे देखता हूँ स्वभाव। जब स्वभाव की जानकारी आप कैसे लेते हो डिपेंड करता है आपका अभ्यास। हर एक की कुंडली में एक स्वभाव होता है, अगर मेरे पास किसी का एक कुंडली, कोई भी एक आदमी का कुंडली हो तो मैं स्वभाव बता दूंगा, वो हाँ या ना में शब्द दे, कोई भी एक आदमी अपना गेट ऑफ टाइम डाल के बताओ मैं स्वभाव बता दूंगा। स्वभाव से उसका गुण पहचानते हैं। जिद्दी आदमी सबसे आगे जाता है, जुनून, जिद्दी बोलते जिद्दी बहुत खराब होता है, नहीं जिद्दी आगे जाता है। और वो जिद कहाँ पे होती है, लग्न के अंदर होती है। और लग्न व्यापारी जिद्दी होता है कि उसको हार स्वीकार नहीं होता, वो जीतना ही चाहता है। तो उसमें लग्न में क्या होता है, जिद्दी स्वभाव के कौन से लोग होते हैं, कर्क सिंह कन्या तुला उच्ची धनु मकर, ये लाइन से आ जाते हैं। कर्क सिंह कन्या तुला उच्ची धनु मकर, मी नहीं आएगा, कुंभ नहीं आएगा, मिथुन नहीं आएगा, वृषभ नहीं आएगा, मेष कहीं कहीं आ जाता है। क्यों फर्स्ट व्यापारी के लिए दौड़ते रहते लोग, मेरे को कुछ बनना है, मेरे को कुछ बनना है। सबका एक एक होता है। कर्क राशि वाले का एक्साइटिंग से रहता है, सिंह राशि वाले को यानी ये जो आपने तत्व सीखे ना अग्नि तत्व जब वाले, अभी अग्नि तत्व लेते तो मेष ही धनु आता है, लेकिन मेष का आग होता है ना कपड़ाता है, और सिंह का ऐसा फैलता है, और धनु का एक सा ही स्टेट जाएगा। वो लोग बहुत ईगो प्रधान होते हैं तीनों के, लेकिन ईगो कैसा होता है, धनु का ईगो होता है ना, वो बिना करके भी अपना चाहता है। सिंह का मीठे से सबको अपना ईगो अपने अंदर खींच लेता है, और मेष वाला जबरदस्त इसको खींचता है, तीनों खींचते हैं ईगो। जल तत्व बहुत ही बिजनेस के लिए डाउन हो रहता है, लेकिन वृश्चिक क्यों ऐसा गया कि उसमें मंगल का भी असर होता है। एसिड, एसिड किससे देखते हैं आप, एसिड वृश्चिक से देखना चाहिए। एक बिच्छू होता है ना, बिच्छू ऐसे नहीं दिया, उसके पीछे जो डंग जहर है वो वृश्चिक से, इसलिए अष्टम स्थान दिया गया उसको, और अष्टम स्थान बहुत जिद्दी होता है। आज तक जितने भी लोग आए ना जिद्दी में देखने, तो वृश्चिक लग्न वाले या वृश्चिक राशि वाले देखते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम रहता है वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की प्रॉपर्टी। आप किसी भी राशि को ले लो, उनका एक एक कंडीशन लाइफ में प्रॉपर्टी गम गया, लॉस हुआ रहता है या प्रॉपर्टी उनको मिली नहीं, कोई भी कुंडली में कोई भी एक ऐसा एक भी बंदा नहीं होगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी मुझे यूटिलाइज है, मेरा यूज़ नहीं हो रहा है, ये पॉइंट आएगा रश या खुद की प्रॉपर्टी में खुद नहीं रह सकता, कोई भी एक बहुत अच्छा पॉइंट। वृश्चिक और साथ में तुला भी आ जाता है, क्योंकि चतुर्थान में शनि का असर होता है उनके पुरों में, और शनि का राशि का असर होने से प्रॉपर्टी रिलेटेड उनका प्रॉब्लम रहता है, उनकी एक प्रॉपर्टी लॉस होगी तभी वो बाकी की 2-3-4 बना सकते हो, और एक ही प्रॉपर्टी लेके मैं रहूँगा वो तो वापस बाहर चला जाता है। लेकिन यदि शनि ही चतुर्थ तो उसका थोड़ा फल अच्छा मिलता है, लेकिन प्रॉपर्टी त्रिकोण राशि की हो जाएगी, फिर भी उसका त्रिकोण रहो या मत रहो उसका प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा ही। एक दिन का
तो बोलेगा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया जाने दो, बड़ा दिल वाला क्या मतलब छोड़ दिया, लेकिन रहेगा उसका प्रॉब्लम, वो दिल से छोड़ दिया, भाई के लिए छोड़ दिया, बहन के लिए छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी उसको यूज नहीं होती, उसका ऐसा दिन में दिमाग में रहता है। नहीं नहीं गुरु और शुक्र है होटल के लिए, वकील के लिए रवि और शनि। मंगल तो ऐसा देखे जाएंगे तो मंगल, इन्होंने अच्छा सवाल किया है, मंगल हर एक में डेयरिंग होना चाहिए तभी वो कुछ बन सकता है, इसलिए मंगल तो सब में आ गया। लेकिन मैं कॉम्बिनेशन जो दे रहा हूँ ना उसको आप कुंडली में देखते ही पकड़ना है कि ये सच में ये लाइन में जाने वाला है क्या। जैसे गुरु बुध है तो टीचिंग लाइन रिलेटेड कनफ्लिक्ट है, टीचिंग लाइन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। यानी मैं जो राशियाँ दो ग्रह नाम क्यों दे रहा हूँ, उनका नवपंचम योग है, लाभ योग होना चाहिए ना कि षडाष्टक योग। अगर उसकी युति या प्रतियुति होती तो और ज़्यादा उसके अंदर गहरा चला जाता है। बड़ा व्यापारी प्री प्लानर, बहुत अच्छे प्लानर्स जो होते हैं ना गुरु मंगल में होता है, मंगल सेनापति होता है और गुरु सबका राजा से भी बड़ा होता है। यहाँ पे तो कुंडली में गुरु मंगल का अच्छा योग बन रहा है, जो लाभ योग या पंचम नवपंचम योग युति या प्रति में गुरु मंगल आता है। अब इसमें डिग्री वाइज देखने का क्या है, तो नवमांश में आपको लाभ सच में लाभ है क्या नहीं, अब वो नवमांश से पता चल जाता है, जिसको जानकारी हो देख लो एक बार ध्यान से। कोई भी अगर नवमांश चेक करेंगे ना तो आपको कितने षडाष्टक जा रहा है क्या एक्चुअली, क्या लाभ में जा रहा है नहीं जा रहा है, सीधा नवमांश से डायरेक्ट पता चल जाता है। गुरु मंगल बैठा ना उधर, जहाँ पे लाभ योग होता है वहाँ पे युति आ जाती है या प्रतियुति आ जाती है नवमांश के अंदर। आपको देखने की जरूरत नहीं कि एग्जैक्ट है क्या, अगर नहीं रहेगा तो आगे पीछे हो जाएगा, अगर लाभ योग नहीं रहेगा ना उसका तो डिवाइड हो जाता है। ये तो बहुत सारे किताबों में मिलता है आपको, ये टेक्निक तो मालूम है, इसलिए मैं वो जो कॉमन टेक्निक्स है वो नहीं बता रहा हूँ, कॉमन टेक्निक बताने से कुछ नहीं। मैन्युफैक्चर के लिए मैंने मंगल शनि, जो मंगल शनि इंजीनियर भी बना सकता है, इंजीनियर ये भी एक टाइप का मैन्युफैक्चर ही होता है, आर्किटेक्ट इंजीनियर हो रहा है इंजीनियर हो, जो बनाना जो विधि सिखाता है वो मंगल शनि बनाता है। शुक्र शनि जो होते हैं वो क्रिएटिव रहते हैं, जैसे आर्किटेक्ट डिजाइनर हो गया, किताब लिखने वाले भी हो गए जो बना सकते हैं डिजाइन विजाइन कुछ, शुक्र शनि। कैंसर में जो होता है ना राहु शुक्र और राहु चंद्र का युति, राहु चंद्र बहुत लोग गलत फहमी में बोलते थे कि बहुत बड़ा नुकसान है वो है, मैंने मोर देन मेरे पास इतने राहु चंद्र की युतियाँ देखी, बहुत अच्छे स्थान पे चले गए, दशम स्थान का राहु चंद्र तो बहुत बड़ा राज युति की रहता है। राहु चंद्र की युति बहुत लोग ग्रहण दोष है, बहुत बुरा फल देता है, मैं बताऊँ बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। पहले के लोग राजा लोग रहते थे, राजा लोगों के जो पंडित थे वो लोगों ने कहा राहु चंद्र अगर घर के अंदर की कोई औरत डांसर बनेगी तो कैसे बनेगी, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उस युति को अच्छा नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में तो वही आज भी टॉप पे जा रहा है तो उसको क्यों बुरा। महात्मा गांधी को राहु चंद्र बहुत पहचान होती है, राहु चंद्र से आकर्षण, राजा के विरोध में कोई बड़ा आदमी न बने इसे राहु चंद्र को बुरा बोल दिया गया, क्योंकि उसके सामने खिलाफ होने वाला था ना, इतना तर्कीय बुद्धि रहती उसके पास। राहु से एक्सपोजर ग्रह, अगर रवि सबको खा लेता तो रवि को खाने वाला राहु रहता है, तो उसका सौ गुना वो बढ़ा दिया। राहु को मैं बोलता ना आज की दुनिया का राजा वही है, कलयुग का राजा। सर अगर युति नहीं हो और राहु चंद्र पंचम नवम में हो, नव पंचम लाभ देगा ना तो कहीं ना कहीं वो आदमी आकर्षित करता है हर एक को, इस लावण्य ग्लो बोलते ना ग्लो, अगर राहु चंद्र बिगड़ जाता तो ग्लो खराब हो जाता है आदमी का। लग्न में सबसे पॉइंट क्यों दिया कि लग्न में चेहरा भी दिखता है, अगर किसी के लग्न कुंडली देखेंगे तो आपको चेहरा, अगर किसी का खाली लग्न आ गया तो आपको चेहरा देखने आना चाहिए उसके, या चेहरा देख रहे तो आप लग्न निकालना चाहिए। राहु शुक्र
राहु शुक्र जो होता है ना वो डांसर में एक और थोड़ा कलाकार है। शुक्र जो है ना एक गंधर्व का और राक्षसों का राजा काम है। राक्षसों का मतलब था पहले जमाने में जो देव मनुष्य राक्षस ये तीन चीजें हैं। देव यानी जो अपना काम दे के निकालता है, मनुष्य होता है दे के वापस लेता है, और मनुष्य राक्षस जो होता है सिर्फ लेता है और देता नहीं। राक्षस इसलिए राक्षस लोगों को लिए राहु मंगल शनि गिना गया है, इसमें राक्षस वृत्ति होती है। लेकिन इनके अंदर छीनने की इतनी ताकत रहती है अगर और शनि जो है ना सेवक है, सेवक। और कुंडली में किसी का शनि अच्छा नहीं रहेगा ना तो उसको काम करने में रोगी नहीं मिलेंगे, और श्रेष्ठ स्थान बलवान नहीं रहेगा तो लोग नहीं मिलेंगे। कैरियर में शनि का भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो काम करने वाले लोग और उस आदमी में धीरता। शनि जो है ना बहुत लंबा काम करता है, जो लंबे काम का काम करने वाला कुंडली रहेगी वो शनि रहना चाहिए, और छोटे काम में रहेगा उसको छोटा ग्रह चाहिए। एक्टर में बुध राहु शुक्र आ जाते हैं, कॉपी करना। बुध का काम है हर एक ग्रह का नकल करना, बोलते ना बुध जिस ग्रह राशि में बैठा है जिस ग्रह में बैठता है उसके जैसा बन जाता है थोड़ा, तो इस कॉपी करने का काम बुध का है। कोई भी नकल करना, एक्टिंग करना, थोड़ी देर के लिए अपने आप को राजा बनाना, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भिखारी बनाना, जो एक्ट करना पड़ता है उसके अंदर वो चेहरे पे जो रौनक लाती है। जैसे अभी मैं दिखाऊँ एक सेकंड के लिए कि मेरा तो हमेशा स्माइल रहता है। सब लोग बोलते हैं मैंने ये अंगूठी क्यों पहनी, सब पता है तो मेरे को एग्रेसिव होना है इसलिए पहना। राहु शुक्र बुध प्लस 1, 5, 7, 11 उनका कनेक्टिव अष्टम स्थान से होना चाहिए। 1 तो कंपलसरी आएगा सब में मेरे इसमें, कि 1 इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि डिसीजन मेकर उसी के पास होता है। कुछ भी करना है उसका दिमाग पहले से ही होना चाहिए, इसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। 1 लग 1, 5, 7, 8, 11 11, 8, 11 का जो दशम स्थान है, जो अपना नेट प्रॉफिट का दशम स्थान भी अष्टम स्थान गिना जाता है। सुरक्षा कर्मी यानी पुलिस आ गया, पुलिस ऑफिसर्स आ गए, वो तीसरे और छठे स्थान से और मंगल से रिलेटेड और रवि से रिलेटेड होते हैं। इसी में जो सुपरवाइजर का काम करते हैं वो धन स्थान से रिलेटेड आता है। दसवां तो इसमें इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर के लिए रवि चंद्र मंगल गुरु, क्योंकि चंद्र जो है दवाई है, डिसीजन देने वाला है, मंगल उसको करेक्ट काम करने वाला, सूर्य जो है आरोग्य को डेवलप करने वाला है। सूर्य नहीं तो कुछ नहीं। इसके साथ में चाहिए 1, 5, 6, 12 हॉस्पिटल लाइन रहेगा तो 12 रिलेटेड रहेगा उसका, क्योंकि बिना हॉस्पिटल का नहीं चलता, इससे 12 हॉस्पिटल भी देखा जाता है। और फॉरेन से रिलेटेड जो काम होता है वो 12 से और तीसरे से स्थान से रिलेटेड, इससे फॉरेन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो गए। 10th इसमें टच रहेगा, 12, 3 और 10 फॉरेन रिलेटेड काम के लिए। और एजुकेशन के लिए जो होता है वो 9 और 5 उसमें गुरु बुध आ जाते हैं। जॉब में ज़्यादा करके क्या होता है कि मंगल और शनि के अच्छे योग और श्रेष्ठ स्थान और रवि बलवान होता है तो जॉब होता है। जो 1 डिग्री 12 डिग्री से ज़्यादा का योग बनता है गुरु रवि बुध का, वो लोग जॉब में चले जाते हैं। जॉब इनको 12 डिग्री से ज़्यादा अगर रवि बुध की युति नहीं होती है, युति नहीं, रवि बुध से दूर चले जाते हैं 12 डिग्री से ज़्यादा, 13, 14, 15 हो जाता है। एक घर छोड़ के एक घर आगे पीछे होता है, बुध से ज़्यादा एक घर आगे पीछे होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जॉब वाले का जो
मन होता है ना वो स्थिर हो जाता है, रवि बुध रहता है तो मन स्थिर नहीं होता, वो क्या करेगा बिजनेस कमाना चाहता है, दूसरों पे कमाना चाहता है, इसलिए बुध आदित्य राजयोग बोलते हैं। बुध आदित्य राजयोग का मतलब है कि राजयोग का मतलब है कि किसी पे शासन करना, जो व्यापार करना है तो उसके पास दो चार नौकर तो रहेंगे ही, अकेला कोई व्यापार कर ही नहीं सकता। और कमीशन के लिए मेन बुध होता है, मेन बुध ग्रह, और उससे रिलेटेड होता है लाभस्था 1, 3, 7, 10 और 11, क्योंकि उसका सप्तमेश पब्लिक रिलेशन रहेगा तो ही वो कमीशन पे काम कर सकता है, और पब्लिक रिलेशन नहीं रहेगा तो कमीशन पे काम नहीं करता। और तीसरा स्थान क्यों लिया गया कि कमीशन के लिए काम तीसरा स्थान बहुत जरूरी होता है, पहचान, उसका बोलने का तरीका, वो बात करने का, मिलने का टाइमिंग, शेड्यूल सब उसके अंदर। फ्रीलांसिंग में गुरु बुद्ध की युक्ति भी बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि कई लोग टीचिंग का काम करते हैं, हर एक काम में टीचिंग है ही, हर एक व्यापार हो, कमीशन करो या कुछ भी करो, तो गुरु बुद्ध का जो युक्ति होता है वो टीचिंग रिलेटेड काम करता है। इसलिए फ्रीलांसिंग में 1, 3, 7, 8, 10, 11 ये चारों को पॉइंट अच्छे होने चाहिए। अभी हम अच्छे स्थानों का तो देखा, लेकिन वह स्थान हम क्यों बुरा समझते हैं कि सामने वाले का हमारा खर्चा सामने वाले का फायदा होता है, इसलिए वह स्थान क्यों हम बुरा मानते हैं और सामने वाले का फायदा होता है। और अष्टम स्थान को हम क्यों बुरा मानते हैं कि सामने वाले की इनकम सोर्स बढ़ जाती है, उसका धन बढ़ जाता है। और पंचम स्थान को सामने वाला का नेट प्रॉफिट लाभ होता है इसका, ये चीज़ें जब चलती है उनकी मेन मूल्य में दशाएं, तो आदमी कमा कमा के दूसरों को देते रहते हैं। में क्या है कि वो हिस्सा कमा लेता है छोटा सा, लेकिन बहुत सारा बड़ा हिस्सा वो सामने लोगों को कमा के देता है। दृष्टियां जो थी ना वो लग्न कुंडली से ही देखी जानी चाहिए, क्योंकि कष्प कुंडली मन इसी से ज़्यादा ध्यान देता हूँ। कष्प में क्या होता है कि ग्रह आगे पीछे होते हैं, लेकिन देखने का पद्धत जो होता है वो सेम ग्रहों की कुंडली से देखनी चाहिए। मेन आय के साधन जो है ना, अगर किसी की दशा 2, 6, 10, 11 के दशा और अंतरदशा 2, 6, 10, 11 की ही चल रही है तो उसकी बहुत अच्छी आय की दशा होती है, इनकम सोर्स की दशा जो होती है ना मजबूत हो जाती है उसकी। और उसके पंचम और भाग्य की दशा चलती है तो इनकम सोर्स में लॉस चलती है, इसलिए पंचम और भाग्य के साथ अगर 2, 6 की चलती है तो पैसा भी आता है और कमा के दूसरे को दे रहा है, दोनों में होता है। पंचम लॉस क्यों होता है कि आदमी मनोरंजन में टाइम निकालता है या नहीं तो सामने वाले का प्रॉफिट करके देता है, लाभ लाभ होता है। नवम दशम स्थान का वह स्थान है जिस पर खानदानी प्रॉपर्टी है उसको ही संभाल के जाना है या मनोरंजन करते हुए निकलना है, अपना पीढ़ी को बढ़ाते जाना है। से पहले के लोग भाग्य स्थान का रत्न देते थे, एक्चुअली आज के ज़माने में भाग्य स्थान का रत्न फलता नहीं है, क्योंकि वहाँ सभी लोग कर्म प्रधान हैं, आपके पास लैंड लॉर्ड है तो आप भाग्य स्थान कर पाएंगे, बाप दादा ने कमाया, बाप दादा ने अगर पैसा कमाया है तो वो लोग भाग्य स्थान पहनो, भाग्य उससे बदलता है, उनका भाग्य से आया हुआ उसको संभाल के लेके जाना, लेकिन आज के ज़माने में भाग्य स्थान का रत्न नहीं पहनना चाहिए। मैं रत्न का अच्छा जानकारी देता हूँ और बहुत सारे लोगों को रत्न पहना चुका हूँ, इसके लिए मेरा अनुभव है स्ट्यूनिंग का। और दान धर्म करना है तो तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश और वयेश की करनी चाहिए। षष्ठेश, अष्टमेश और वयेश, षष्ठेश अगर स्वराशि हो तो भी। षष्ठेश क्या है कि अपने हेल्थ को लॉस करने वाला है, अगर षष्ठेश हेल्थ को लॉस करने का मतलब ये नहीं कि षष्ठेश लॉस ही करेगा, ये
सब लोगों का दृष्टि, अगर उसमें शुभ ग्रह बैठेंगे तो हेल्थ अच्छा भी रहता है, लेकिन वो उसका पूरी तरह से फायदा नहीं होता, कैरियर में उसका अच्छा फायदा होता है, दशम स्थान को भाग्य एक बात। अभी गुरु शुक्र की मैंने होटल लाइन बताई है, अभी इन्होंने एक अग्नि चल जल तत्व का बताया, एक चार तत्व होते हैं। होटल लाइन कहाँ कहाँ नहीं चलता है, एरोप्लेन में भी चलता है, ट्रेन में भी चलता है, जमीन में भी चलता है, रेस्टोरेंट में चलता है, तो अब उनको कहाँ पे कैसे पकड़ना है वो तत्वों पे आधारित है। चल राशि का रहेगा तो ट्रेन में चलता है, जल तत्व में रहेगा तो शिप में चल रहा है, पृथ्वी तत्व का रहेगा तो नीचे है। उसका कैटेगरी लो है कि आपका है, वो उसके बलवान होने पर डिपेंड करता है, जो छोटा होटल खोला है कि बड़ा होटल। हाँ हाँ, दान धर्म ना, हाँ वो तो हाँ, अग्नि रहेगा तो हवन से होता है, वायु रहे तो मंत्र से होता है, जल रहे तो जल में दान करने से होता है, और पृथ्वी रहेगा तो मनुष्य जन्म लोगों को और प्राणियों को खिलाने से होता है। तो दान अलग अलग प्रकार का, कौन सा तत्व जा रहा है उसके ऊपर दान होता है, वो बात सही है। ग्रह दान करने से नहीं बढ़ता है ये जो बुरे, जैसे एक बहुत अच्छा आदमी है तो हम क्या करेंगे, नमस्ते भाई चलो मेरे साथ में आओ, वो चीज़ होती है रत्न औषधियाँ, दो चीज़ होती है, औषधियाँ भी हैं रत्न के अलावा, लेकिन औषधियाँ लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आयुर्वेदिक जो भाग है ना एस्ट्रोलॉजी, उसी रिलेटेड ही है। आयुर्वेदिक का मन कहना है कि बीमारी आने से पहले अपने को बीमारी रुकाना है, और उससे भी आगे कैसे जाए, इसलिए एस्ट्रोलॉजी का पार्ट निकाला कि हमें बीमारी कब आने वाली है उसके पहले हम कैसे खाना पहनना रहना ये नॉलेज। अग्नि तत्व तो हवन हो गया, आप धूपबत्ती भी लगाएंगे ना, ट्रेन में चलते फिरते जो काम करते हैं, जो यहाँ पे अभी रोड पे बैठते हैं बाहर उधर जाते हैं, सब वो चल तत्व में आ जाते हैं। दी स्वभाव में जो चल के काम करने वाले रहते हैं या कोरियर सर्विस वगैरह, सब चल तत्व में आ जाता है। जो घूमना रहता है वो चल तत्व होता है, एक जगह रुकते हैं फिर कभी बैठते हैं वो द्वि स्वभाव में आ जाता है, और एक ही जगह स्थिर जो शॉप दुकान सामान सामान चलते हैं वो स्थिर, हाँ बैंक वो स्थिर तत्व में आता है। पृथ्वी तत्व का जहाँ जमीन के जो लोग हैं अच्छे व्यक्ति उनको भी दान कर सकते हैं। दान दो प्रकार के हैं, अच्छे व्यक्ति को देना और गरीब आदमी को देना। जिसका ग्रह शुभ और अच्छा फल देने वाले, जैसे षष्टेश भाग्यश रिलेटेड कर रहा है, तो आप उसको गरीब आदमी को देंगे तो फलेगा नहीं, उसको पंडित को या अच्छे घर के मेहमानों को, आप अच्छा बहन सिस्टर को अच्छा खाना खिलाओ उनको तृप्त करो तो खुश हो जाएंगे। बुरे को बुरा देंगे तो फल देगा, अच्छे को भी आप बुरा कर देंगे तो क्या फल देगा। ये सब कैसे हो रहा है आप समझ रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है ऐसा आधा अधूरा में। दान देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है, दान देने से क्या मिलता है, हमारे हाथ से क्या, मेरे को बोला किसी आपके दादा से दादा और दादा के दादा का नाम किसी को पता है, परदादा के परदादा का नहीं है। मेरा इसका वजह बताने का मतलब क्या है कि कोई यहाँ पे रहने वाला है नहीं, जब तक है हमारा शास्त्र या कोई भी धर्म ये कहता है कि हमारी बुद्धि और आरोग्य की रक्षा कैसा करे उसके एरिए के हिसाब से, हिंदू बोलते हैं धर्म है, मुस्लिम बोलते मुस्लिम धर्म है, वो धर्म नहीं है एक्चुअली। वहाँ पे उनके रहन सहन का टेक्निक क्या है कि उस एरिए के हिसाब से, उस क्लाइमेट के हिसाब से उनको किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। वहाँ पे पानी नहीं मिलता है, बर्तन धोने में कहाँ है, ऐसे सब लोग मिलकर खाते हैं मुस्लिम कंट्री में, इधर पानी ही पानी है, इसलिए इधर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे है, इसलिए जला के मृत्यु का ये साधन बनाया है, उधर जगह ही नहीं है जलाने के, कुछ नहीं है, इसलिए दफन बनाया है। इधर गोल्ड पहनते हैं ज़्यादा, उधर सिल्वर पहनते हैं। इधर गोल्ड क्यों पहनते हैं कि आप इतने कीटाणु है कि कोई भी बीमारी संसर्गजन बीमारी अपने आप पास ना आए, इसलिए गोल्ड पहनना है। वहाँ पर इतनी गर्मी है कि अगर गोल्ड पहनेंगे तो और चटके बैठेंगे, इसलिए वो सिल्वर पहनते हैं। अरे धर्म का मतलब लोगों को गलत में भी, धर्म क्या है, धर्म इस पर पहला पॉइंट है आरोग्य और बुद्धि की रक्षा। और ये शास्त्र हमारा जो कोई भी शास्त्र हो, और हमारा सबसे प्रगाढ़ शास्त्र है
चाइनीज लोग फेंग शुई में बोलते हैं कि ये रखो अच्छा होगा, वो रखो अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। अगर इंडिया में अगर नॉनवेज नहीं खाने वाला व्यक्ति उस चाइनीज़ का कुछ इस्तेमाल करेगा तो फेल हो जाता है। डिपेंड करता है हमारे पास, इसलिए भगवानों के अलग अलग मूर्तियाँ दी है। छोटा छोटा पॉइंट दे रहा, अच्छा लग रहा तो पता था, ऐसे नहीं है। मूर्तियाँ इतनी सारी क्यों बना के रखी है? आप एक बार देखो किसी, आपको सबको ऐसा क्यों दिख रहा हो? गुस्से में देखा मैं थोड़ी देर, क्यों दिख रहा हूँ? आपके पास अंदर भाव आ गया थोड़ा सा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपके अंदर सबके अंदर भाव आ गया। मूर्ति के अंदर हम जब देखेंगे तो अपने मन के अंदर वैसी भाव आती है, और हर एक मूर्ति के अंदर हमारे लग्न के आधार पर पाकिस्तान का जो भगवान होता है उसी से रिलेटेड पूजा करेंगे, उसी मूर्ति की आप देखेंगे आपकी जो कमजोरी है उसमें वो कवर हो जाती है। गणपति का तो सब लोग 10-11 दिन तो बहुत पूजा किए, एक गुण किसने लिया उसके अंदर के? गणपति सब लोग बोलते हैं गणनायक, गणाधीश। गण यानी क्या है? लोगों पे राज करने वाला व्यक्ति गणपति को देख के सीख सकता है। हर एक आदमी आज झगड़ा है ना गणपति के आधार देख देख के, अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर सुप्त मन जो होता है वो अपने आप ग्रहित करता है। सुप्त मन एकदम अंतकरण का मन, शरीर केवल शरीर होता है, जो वायु रूप शरीर, ये शरीर है वायु रूप शरीर है, उसके बाद मन की शरीर होता है उसके अंदर एक एकदम साइलेंट जो रहता है उसको मूर्ति हिला सकती है। मूर्ति से अच्छा काम होता है हवा मन, उससे अच्छा होता है सबसे बड़ा समाधि। इसलिए समाधि तो सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो समाधि का जो स्टेप पहला है वो मूर्ति है, उसी टाइम जाने की उसको आज्ञा देता है। गणपति का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, गणेश का जो एक मैं अच्छा बड़ा हूँ भाई, मैं अपने से नहीं बनाया बड़ा हूँ मैं, गणपति का मतलब होता है गणाधीश, लोगों पर राज करने वाला। उसके कान बड़े होते हैं तो हमको सबका सुनना है पहले, उसकी आँख बहुत छोटी होती है तो नजर हमको चारों तरफ रखना है, बाहरी नजर रखना है। स्वर्ण सुन के ही सामने लोगों को पकड़ो, आप क्यों जला लेते हो अपने आप? लग रहा है पापा तो हट जाओ ना, सुनगो सबसे बड़ी शक्ति है। अभी हम शास्त्र में गणेश ने लिखा है ऐसा लिखा है, गणपति ने एस्ट्रोलॉजी का लिखा है ऐसा लिखा है नहीं। सुनने की जो कला है मैं, ये मेरा बहुत गुप्त राज मैं बता रहा हूँ, अगर एस्ट्रोलॉजर है सब तो बहुत ही गुप्त राज मेरे इसमें क्योंकि ओपन कर देता हूँ। आपको कोई भी कुंडली नहीं है, भाई कई लोग पहले बोलते हैं ना 80 ईयर्स 90 ईयर्स के लोग आके बैठते ही उनका सब कुछ बता देते हैं, तो अपने अंदर एक सिक्सटेंस होता है जो सुनने की ताकत में। अगर आपको आलू पसंद है, अगर आलू कहीं बन रहा है तो आप बोलेंगे कि इधर आलू बन रहा है, पाव भाजी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बड़ा बड़ा टोप पकड़ है। एक एस्ट्रोलॉजर को ना हर जगह पर कहीं भी घूमता है, उस घूमे हुए शरीर के अंदर जिस जगह पे जाएंगे आप थोड़ा सा सुन लो और बोलो कि ये आदमी ऐसा है, इस एरिया का ऐसा है। अगर मेरे को उस एरिया का कोई भी आदमी आके मेरे सामने बैठेगा मैं बोलूँगा इस एरिया से आएगा। आपने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने प्रैक्टिस की है। किस कॉलेज में से आए हो, किस गांव से आए हो, पहले वेशभूषा से पकड़ लेते थे, लेकिन आप आज सुन के पकड़ सकते हैं उस एरिया में घूम के आए रहना चाहिए, क्योंकि आपका एक बार फीड हो गया कंप्यूटर में, फीड हो गया सॉफ्टवेयर ये एरिया का ऐसा ऐसा नक्शा है, तो फिट हो गया। वो कभी नहीं बोलता, हूँ वही चित्र में चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त बोलते ना वही रहता है, वो क्लिक होता है एक सेकेंड के अंदर और फटाक खोल के जवाब दे के जाता है। मेरे पास बोलते क्या, मैं बोल देता हूँ आप कपड़े से रिलेटेड है, आप गोल्ड से रिलेटेड है, आप होटल से काम कर रहे हैं सर, कई बात मैंने पहचान किया है, उनको पता है कि मैं कैसे प्रेडिक्शन करता हूँ। तो जब भी कोई व्यक्ति आता था हमको उसके बारे में कैसा पता चलेगा, मैं इसलिए हर दुकान में जाके पहले सुन के आता था कि ये आदमी ये काम करता है, इस टाइप के आदमी का ऐसा लगता है। दूध वाला जब आता था तो पता चलता कि दूध वाला एक छोटा सा पॉइंट, लेकिन बाकी लोगों का नहीं पता चलता। तो ये एस्ट्रोलॉजर के लिए जरूरी है कि खाली आप ग्रहों का ही देख रहे तो भौतिक भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, डिपेंड सब उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये जो अभी जो बताया वो गुप्त विद्या है, गणपति का टॉपिक चल रहा था सुनने के, पेट बड़ा रहता है सब कुछ अंदर रखो बाहर मत निकालो कुछ। दो शस्त्र होते हैं उसके पास,
एक बांध के रखना और एक कान पकड़ना, सामने वाले को हमेशा कान में बताना और अपने अंदर में रखना, तो जो अपने पास आता है उसको हमें मुद्रा देना और अपना फायदा कभी नहीं छोड़ना मिठाई खाने का। बोलते ना मैं बहुत त्यागी हूँ, कई लोग मेरे पास कॉर्पोरेटर MLA आए पहले हो गए, अभी क्या झोपड़े में, मैं बहुत त्यागी हूँ क्या है, अरे वो गिफ्ट दे रहा था तो गिफ्ट को भी आपने ना कहा, ज्योतिष में मैं पहले 1 रुपये नहीं लेता था देखने के, लेकिन मेरे अच्छे क्लाइंट टूटने लगे, आप पैसा ही नहीं लेते मैं क्यों 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 आओ आपके पास, मैं बोला आप जो समझ के दिखाए, तब से मैं ये मेरा बोलते ना प्रोफेशनल बन गया, बोलते त्यागी हूँ त्यागी हूँ, जो त्याग काम का नहीं वो त्यागी क्या था, आप त्यागी बनो इसलिए ऐसे त्यागी बनो आपके पास अच्छा मन है अच्छा सोच है तो आप पैसा कमा के अच्छी जगह पे लगाओ अच्छे लोगों को दो, और जिसकी कुंडली में अच्छापन होता है वो चतुर्स्थान होता है, जिसका मन होता है धनस्थान और चतुर्स्थान मन का कारण होता है, चतुर्स्थान में अगर अच्छा सा मन रहेगा उसी को धन कमाने के लिए आप प्रोत्साहन करना चाहिए, जो एंजॉय करेगा उसको प्रोत्साहन करने का नहीं, जैसे 2, 6, 10, 11 ये दशाएं चलती हैं इनकी, तो वो आदमी बहुत पैसा कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, पैसा बचाएगा भी, उस पैसे बचाए हुए को सही त्याग पे जाने वाला लोग रहेगा तो उसका चौथा मन देखना है आपको कि सही काम करने वाला है, तो इसको बिंदास बोलो ये क्यों 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ का लोन लो मार पेट हो जाएगा, तो पैसा आने वाला ही उसको हमेशा, ये दशा अंतरदशा दोनों में 2 टेंशन ज़्यादा होना चाहिए, उसमें 12 कहीं ज़्यादा टेंशन होना चाहिए, 12 भी आ गया चलेगा फॉरन रिलेटेड काम करेगा, लेकिन अष्टम तो नहीं आना चाहिए, और अष्टम आ रहा है तो उसको पैसा लोन भी लेने के लिए नहीं पड़ेगा, उसको बोलने का खुद मेहनत करो दिमाग से मेहनत करो कुछ भी करो उससे पैसे। देखो वक्री मेन तो स्थान पे डिपेंड करता है, राशि का स्थान अगर अष्टम स्थान का वक्री रहेगा तो शुभ फल देता है, दशम स्थान का वक्री फल क्या करता है वो अशुभ देता है भाग्य में जाता है, लेकिन लाभ का अगर वक्री होगा तो फायदा देगा, लग्न का वक्री होगा तो लॉस करेगा, भाग्य स्थान का वक्री होगा तो भी लॉस करेगी, 12 में जाता है ना, अगर 12 वर्ष का उसके लाइफ में पॉजिटिव है जैसे एजुकेशन लाइन में उसका वक्री ग्रह पंचम स्थान बैठा तो चतुर्थान डिग्री दे सकता है उसको, उसके प्रॉफिट तृतीय स्थान में अगर उसके पास वक्री ग्रह है तो वो धन स्थान से रिलेटेड प्रॉफिट देगा उसको, वक्री कहाँ पे है वो ग्रह उस स्थान को से ज़्यादा रिलेटेड नहीं करेगा, वो पीछे स्थान से उस स्थान से रिलेटेड नहीं करेगा, अगर वही वजह स्थान का वक्री रहेगा ना तो लाभ देगा, बहुत अच्छा पॉइंट। ये कैरियर का विषय तो ख़त्म ही नहीं होगा, कितना भी करो कितने सवाल करो, इनमें खाली छोटे छोटे पॉइंट दिया हूँ कि सबसे ज़्यादा आय का साधन होता है वो उसके लाइफ में आने वाला, इतना ध्यान रखो 2, 6, 10, 11 इम्पोर्टेंट होता है, और उसके आने के साधन के नियम जो होते हैं दृष्टि तो सामान्य ही होगी, सामान्य देखना लाभ देगा उसके, लाभ और लॉस दोनों उसके स्थान से मिले, तीसरा स्थान 1 नंबर 10 नंबर तीसरा स्थान ये बहुत धनवान बनाने के लिए नियम है, 1, 3, 10 स्थान जो होते हैं ना बहुत धनवान बना देते हैं, केंद्र स्थान और तृतीय स्थान बोल के बोलेंगे तो भी चलेगा, केंद्र बलवान होना चाहिए और तृतीय स्थान बलवान होना चाहिए, धनस्थान और लाभस्थान बलवान होने से भी धन नहीं कमाते कई, धनस्थान लाभस्थान बहुत बलवान है लेकिन किसी ने कमा के दिया होगा या इंटरेस्ट पे काम कर रहा होगा या प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट कमा के खा रहा होगा उतना ही है, जो कर्तव्यकारी बोल के होता है ना वो तृतीय स्थान से होता है, कुंडली से किस दशा में सफलता मिलेगी ये तो मैंने बता ही रहा हूँ कि 2, 6, 10, 11 की दशाएँ चलती है तो ही आदमी धन कमा सकता है, और तृतीय स्थान जो है ना पराक्रमी धन होता है, पराक्रमी बहुत सा अनलिमिट पैसे के लिए तीसरा स्थान साथ में चाहिए तो ही वो बहुत सारा पैसा कमाए, और लड़की की शादी के बाद भी काम करेगी कैसे देखते हैं उसका जो, इसमें दो भाग है, अगर उसको बहुत बलवान करेंगे तो भी टेंशन है और निर्बल करेंगे तो भी टेंशन है, एक मैरिज और कैरियर ये दोनों एक के एक विरोधी हैं,
मैरिज और करियर नहीं, मेन खास बात है लड़कियों के लिए यानी स्त्री वर्ग के लिए। अगर लग्न को बहुत बलवान करेंगे तो सप्तम का वयस होता है और सीधा शादी को ब्रेक कर देता है। मैंने ब्रेकिंग जितने भी देखे आज तक, बोलते कि आपके आपकी इसमें कुंडली में ब्रेक लिखा है, लेकिन कब लिखा है? अगर लग्नेश और षष्ठेश की, क्योंकि क्या लिखा है, लग्नेश और षष्ठेश की दशा में अगर चलती है तो भी ब्रेक होता है। शुक्र के लग्न में स्वगृह की अगर लग्न की दशा लड़की में आ गई, उसके विवाह तो होगा लेकिन शादी का सुख नहीं रहेगा उसका। वृषभ लग्न की कुंडली, आप कई कुंडली देखो, वृषभ लग्न की कुंडली, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश दोनों वही होता है, स्वगृह शुक्र हो गया और बलवान हो गया, उसके ऊपर पाप, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी ना, उसकी बराबर शादी टूटेगी टूटेगी या शादी ही नहीं होगी। उसकी दशा आनी चाहिए शुक्र की दशा आनी चाहिए। अंतर दशा आएगी तो टेम्पररी 3 साल तक फाइट करेंगे, फिर वापस छोड़ देंगे, चल जाएंगे घर पे, वो टेम्पररी डिवाइड करेगा। कैरियर में क्या होता है कि लग्न मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया, मैंने जब तक जितने भी अच्छे कैरियर पे गए लोग आए तो उनका शादी ही नहीं हुआ, और जब शादी हुआ तो उनका कैरियर खत्म। अगर शादी के साथ कैरियर किसका चलता है, अभी ये पॉइंट बहुत आ जाता है। इसमें लग्नेश और षष्ठेश बलवान होकर पाप ग्रह की दृष्टि में आने चाहिए, अशुभ ग्रह की दृष्टि में। अशुभ ग्रह का मतलब होता है, मैंने बताया कि गुरु चंद्र मंगल रवि इनकी लग्न में गुरु शनि शुक्र पाप होते हैं, गुरु शनि शुक्र के लग्न में गुरु चंद्र मंगल रवि पाप होते हैं, अपोजिट सेक्शन। तो इनकी दशाओं में अगर उनका लग्न चल रहा है, उसके बलवान होने के बाद भी पाप की दृष्टि आ गई, तो उसका जो सप्तम स्थान से विरोधी ग्रह बलवान नहीं होता, लेकिन वो बलवान खुद हो जाता है, तो सामने वाले का चलता नहीं पावा। तो लोग घर में भी काम करते हैं, फिर जाते हैं, क्योंकि पाप ग्रह कह गया ना, तो क्या करेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, 7 बजे तक घर में खाना बनाएंगे, फिर 9 बजे कैरियर के लिए भागेंगे, फिर शाम को 7 बजे आएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर सो जाएंगे, इस रूटीन लाइफ। लेकिन उनका लग्न बलवान होना चाहिए, तो लग्न तो बलवान हो गया, पाप बुलाने से दोनों तरफ से कष्ट हो रहा है उनको, लेकिन कैरियर के लिए बहुत मज़ा आता है, बोलते मेरे लिए इतनी मज़ा आता है, क्योंकि स्वभाव जो होता है ना, मैंने पहले बताया स्वभाव। हाँ बोलिए, नहीं वो रिलेटेड पीछे के ग्रह से ही देगा, वो पीछे के स्थान से देगा, वो ना कि उस स्थान से कुछ क्रिएट करता है। अगर शुक्र फल दे रहा है, हाँ वक्री शुक्र है समझो, पीछे के स्थान के जो शुभ फल है कि बुरे फल है उसको लॉस या प्रॉफिट में करेगा। अगर समझो एग्जांपल, आप समझो वक्री शनि है लग्न में बैठा है, उच्च का शनि है तुला का और रिलेटेड वक्री है, तो वो तो एकदम उच्च का वक्री शुक्र है, लेकिन वयस्थान से रिलेटेड कर रहा है वो पहले, तो वयस्थान का फल डबल कर देगा। अगर वही पाप रवि बैठा है, रिलेटेड पीछे क्या कर रहा है, तुला में रवि बैठा है, तो अच्छा फल देगा वो, क्योंकि रवि का लॉस होता है वहाँ पे, जो रवि के फल मिलने चाहिए वो लॉस करता है 12वां ग्रह उसका। वही शनि तुला का उच्च का लाभ स्थान में वक्री होके, वय स्थान में वक्री होके बैठेगा तो उनका फल अच्छा मिलेगा। हाँ लेकिन रवि अगर वहीं पे वो नीच का बैठ के, अगर वो बैठ के बैठा है तुला में, तो वो उल्टा लॉस करेगा, लाभ नहीं देगा, वो लॉस करेगा। कुंडली से किस दशा में, बकरी है ना, नहीं अच्छा शुक्र पकड़ लो, शुक्र पकड़ो, शुक्र पकड़ो, शुक्र स्वगृह है, फिर भी कुंडली में किस दशा में सफलता मिलेगी, दिशा है क्या? हाँ हाँ देखो, दशम स्थान से रिलेटेड अगर चतुर्थ स्थान से रहेगा तो जहाँ पे जन्म हुआ है वहीं पे जो स्थान बलवान है, चतुर्थ स्थान बलवान है तो उस एरिया में ही उसका सफलता रहता है, चतुर्थ स्थान बिगड़ गया है तो उसको दूसरी दिशा में सफलता मिलेगी, चतुर्थ स्थान जो है वो जगह है उसकी बैठने की।
तो उसकी सफलता चतुर्स्थान में अच्छे ग्रह देख रहे तो उस गांव के अंदर पैदा होकर उसी गांव में नाम कमाएगा। अगर चतुर्स्थान बिगड़ गया है और बलवान है तो फॉरेन में आके काम आएगा पैसा। हाँ ये बात बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात, ये सही बात है। बारहवें घर में जिस ग्रह की राशि या ग्रह होगा, जैसे शुक्र रहेंगे तो हम बोलेंगे लंदन आज की दुनिया का राजा है, यूएसए आज की दुनिया का राजा है। थोड़ा कंट्री लॉस जाएगा तो राहु मंगल शनि गल्फ कंट्री में आएगा। मनोरंजन चाइना और जो जापान, ये जो पार्ट है एकदम लग्जरी है, इसमें शुक्र आएगा। तो शुक्र की राशि शुक्र ग्रह रहेंगे, बुध ग्रह रहेंगे व्यापारी से, तो जो कंट्रियाँ हैं चाइना से लेके ये भाग पूरा पूर्व का भाग, पश्चिम का उत्तर भाग लंदन और अमेरिका जो साइड जा रहा है वो पूरा आएगा गुरु बुध इनके रिलेटेड। और शनि राहु ये आएंगे आपको गल्फ कंट्री रिलेटेड, अफ्रीका मंगल सुनसान, आदमी किसी का सुनता ही नहीं, अपना ही करता है, ऐसा जा रहे हैं। सूर्य चंद्र देखो रवि तो अच्छा ग्रह गाना है, अच्छा है ग्रह, तो वो उसको जाएगा अपना यही कंट्री में लंदन के तरफ ही, समझा ऑस्ट्रेलिया पीस माइंड जो रहता है वो सब सूर्य के आगे, रवि गुरु बुध और ये तीनों सुपर जो ग्रह होते हैं ना वो अच्छे एरिया में लेके जाएगा। इसी वजह से आपका नहीं दवा ऐसा देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। केतु जिस राशि में बैठा है उसके फल देगा, राहु जिस राशि में बैठा है उसका फल देगा, लेकिन राहु केतु बारह में बैठा तो गुरु का काम करेगा, वो गुरु के जैसा केतु है और वही आप समझो यूएसए और लंदन का टाइम बोल दो, लेकिन छोटी कंट्री में जाएगा। जैसे यूएसए में बहुत सारी कंट्री है और आपको लंदन में बहुत सारी, यूरोप में बहुत सारी कंट्री है, उसमें सबसे छोटा कौन सा रहेगा केतु बता दें, गुरु बैठा तो बोलने का सीधा लंदन। शुक्र जाएगा तो ये सब ये एंजॉयमेंट लाइफ होती है, शुक्र होता है एंजॉयमेंट, आप जा आप किसी को एंजॉय करने वाले बोलो कहाँ है, मैं सिंगापुर जाके आया एंजॉय करने वाला, और वो बोलते देखना है कुछ बहुत कुछ है अच्छा, वो लंदन जाके आया देखने के लिए, मैं कैरियर के लिए कहाँ अच्छा है, आज आई टी इंजीनियर की जा रहा था कैरियर यूएसए में है, तो सब लोग उधर जाते हैं। तो ये पहले आई टी रिलेटेड जा रहा है कि व्यापार रिलेटेड जा रहा है कि एंजॉय रिलेटेड जा रहा है कि एजुकेशन रिलेटेड जा रहा है, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो कहाँ जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो बोल रहे हैं ना एकदम पीस एरिया है, वो सूर्य के अंदर में आएगा और पीस पीस का जो समय गुरु और जैसे ग्रह है ना उसके ऊपर आप डिपेंड लगाना है कि वो पीस एरिया है कि घाई घाई का एरिया है। जैसे बुध का बोलेंगे तो लंदन में गर्दी का एरिया, लेकिन फ्रांस गर्दी का एरिया नहीं है, बुध नहीं आएगा वहाँ पे। चंद्र ही घूमने के लिए काम करेगा सर, टूर एंड ट्रैवल्स, जैसे एरोप्लेन में घूमने वाले लोग रहते हैं, शिप में घूमने वाले लोग रहते हैं, या इधर से उधर कमीशन पे काम करने वाले लोग रहते हैं। गल्फ में मुस्लिम कंट्री मोस्टली, इधर कैसा बहुत कंट्री आती है ज़्यादा, और मुस्लिम भी है इधर कहाँ पे सिंगापुर और इसमें, और यूएस में खाली कैथलिक आएगा, तो इसके पहले डिवाइड करना है कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है तो उससे रिलेटेड कौन सा ग्रह करता है, आपको बहुत सारी किताबें हैं पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज प्लीज थैंक हिम वेरी फ्रॉम योर हार्ट, थोड़ा जोर से आपको धन्यवाद, और फॉलो इम्पोर्टेंट।